जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बलूनी फिल्म्स। बलूनी फिल्म्स में स्वागत है आप सब दोस्तों का। जी हां, आपके लिए खुशखबरी मैं लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्दी आपके लिए फिटनेस का। ऐसा ही ये देखिए, ये मैं पहले छोटे में ऐसा था और बड़े में ऐसा हुआ और अब ऐसा हुआ। दोस्तों ये बॉडी बिल्कुल नेचुरल है, हमने घर की डाइट से ही मैंने बनाई है। अपने एक्सपीरियंस से जो आप घर में खाते हैं मैं वही खाना खाता हूँ। आप इसे 100% नेचुरल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ये बात सच है दोस्तों कि टाइम ज़्यादा लगता है नेचुरल डाइट में, लेकिन अभी मैंने एक महीने पहले एक्सरसाइज छोड़ी है लेकिन अभी भी बॉडी में देखो कोई फर्क नहीं है। मैंने उत्तरांचल गोल्ड मेडल 4 बार किया है और टॉप 10 में 7वां और 9वां नंबर प्राप्त किया है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी खेल चुका हूँ। मेरे जैसे शरीर पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खुशखबरी है कि आप फिटनेस का दूसरा चैनल मेरा देखेंगे बलूनी फिटनेस को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा प्यार आपने मेरे बलून फिल्म्स को दिया है आप वैसे ही बलूनी फिटनेस को जरूर दोगे। आप फिटनेस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, डाइट कैसे करनी है, आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, मसल्स ग्रोथ नहीं कर रही है, कैसे बॉडी करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में कैसे एक्सरसाइज करें, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आपको बलूनी फिटनेस को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि नई नई वीडियोस आपको मिल सके। मैं सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटिव सारी वीडियोस आपको बलूनी फिटनेस में मिलेगी। आप इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं जो है लॉन्च करने वाला हूं बलूनी फिटनेस। तो आप नहीं देख पाए हैं उसका ये बलूनी फिल्म से माध्यम आपको पूरा दिखा रहे हैं और एक बार जोरदार तालियां हमारे बलूनी फिल्म के डायरेक्टर ये डीजे मस्त साउंड सर्विस वाले हैं और मस्त होके नाच रहे हैं और आइए इनसे मिला था। तो ये हैं, जी हाँ, आपने राजा दशरथ की बहुत प्रभावपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है और ये डायरेक्टर भी हैं, इन्हीं के उसमें किया है। और ये राम जी हैं, बिगर मेकअप के कैसे लगते हैं आप कमेंट करके कह सकते हो आपको कौन सा पात्र अच्छा लग रहा है। और ये लक्ष्मण जी हैं जो है हाथ ऊपर कर रहे हैं और हनुमान जी इनके मस्तक पे इतने चमक के अभी मैं फोटो अपनी देख सकते हो। ये हनुमान जी का रोल इन्होंने निभाया है बहुत अच्छा। और ये रावण जी हाँ, आपने जो दमदार भूमिका जो निभाई है, इनकी आवाज़ कैसी है ये मैं आपको देख चुके हैं। और ये लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ इनकी दमदार डायलॉग्स के साथ ये वीडियोस में आपके लिए लाया हूँ। और एक केकई का रोल इन्होंने निभाया है और रावण भेष बदल के जब आया था। और ये बीच में है राजा भरत की भूमिका, खर की भूमिका और अंगद की दमदार भूमिका इन्होंने निभाई है। ये भी बहुत अच्छे कलाकार है। और ये आई रावण और दुष्यंत और बाली का इन्होंने किरदार निभाया है दमदार के साथ। और ये कुंभकर्ण और बीच में आप इन्हें जानते होंगे जिन्होंने आग लगा दी थी मंच पे। और ये शत्रुघ्न है और इनको तो डांसर है, ये तो आपने पहचाना होगा। इनकी डांस की अगर जो वीडियोस निकलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी। और ये मेघनाथ, जी हाँ, दमदार एंट्री के साथ मेघनाथ की भूमिका निभाई थी। इनके डायलॉग्स भी हैं आगे। ये कुंभकर्ण जी जिनका पेट इतना मोटा था और दमदार भूमिका के साथ इन्होंने निभाया है, इनके डायलॉग भी आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखते रहे। और ये सीता हैं, देखिए सीता जी कैसे लग रही हैं। और ये सर्विस साउंड वाले हैं, बहुत अच्छी साउंड दी है इन्होंने, आपने देखा होगा साउंड सर्विस के मालिक की यही है पूरा जिम्मा इन पे। और इनके चेले चाटे हैं जो कह रहे हैं हमें भी इस वीडियो में दिखाओ, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें भी बैक स्टेज में आना चाहिए, बहुत जरूरी। तोड़ते समय रामचंद्र की स्तुति करते हैं तो उसकी 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। Oh,
प्रभु मोरी नैया पार लगा दो, प्रभु मोरी नैया पार लगा दो, पार लगा ये कुछ डायलॉग्स ये राजा भरत अंगद जो आपने देखा, ये शत्रुघ्न जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, नए हो मेरे चैनल पे तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना है। ये हनुमान जी देखिए गेटअप में कैसे लग रहे हैं आपको, आप कमेंट कीजिएगा। और ये छोटे छोटे रोल जिन्होंने निभाए थे ये भी है यहाँ कलाकार, ये है के कई मंत्रा वगैरह कुछ के कई वगैरह का इन्होंने रोल किया, छोटे मोटे रोल किया था। और ये देख पहचाना होगा आपको, ये महर्षि गुरुचार्य वगैरह गुरुजी बने हैं वेशभूषा में, ये उन्होंने रोल निभाया है। और कुछ इन्हीं के भाई हैं जो हैं दूसरे इसके बाद आ रहे हैं, उन्होंने जो है महामंत्री वगैरह जो रोल निभाते हैं, मंत्री मंत्री का रोल निभाया इन्होंने, जो आपने जिनकी आवाज़ देखी होगी, छोटे मोटे रोलों के लिए ये लिए गए हैं। ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपने देखा इनको भी। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपको ले लाया हूँ। चलता हूँ जिस जमीन पे मैं, डर से हवा भी सही चलाती है नीचे आज की इन वनवासियों की मौत मिलाती है, और मेरे ही जाने की देरी है, और मेरे ही जाने की देरी है, मैं तो खुद रंगू लाएंगे पेश करूँ रे यहाँ, जब मेरे जाते ही बाहर जाएंगे। राजा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेघनाथ जी आ रहे हैं, चलूंगा जिस जमी पे चल, तो क्या चीजे जय जय शंकर। अरे पहले हो मुझ में सिर्फ पर मैं हुआ सकता हूं, मैं इतने चला रेता को फिर कौन पढ़ा सकता हूं, जय शंकर। और जिन्होंने मैंने पहले कहा था ताड़िका, जिन्होंने स्टेज पे आग लगा दी थी पहले भी कहा था मैंने, इन्होंने ताड़िका का रोल निभाया है बहुत अच्छे तरीके से। बैक स्टेज में ये तैयार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। शायद आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके कहना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और वीडियोज़ कैसे लगी, आप अपने विचार कमेंट्स में कर सकते हैं। और ये पत्रकार जी भी हैं, यहाँ सुयाल जी पत्रकार हैं, तो आप देवभूमि किशनपुर कमेटी वालों का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया। और सारी मातृशक्ति का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरू से लेकर आज तक हमारा साथ दिया। तो सब माता बहनों भाइयों बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। हम नंदा है चलते पीर चलती पर है और कहीं भट भड़ाता हम सहम हम भड़ाता, और मैं हूँ तो सर राजा, मैं हूँ तो सर राजा जिस भी इंसान की लड़का है, मैं हूँ तो सर योद्धा हूँ जिसका पर बैठा, हमने ही दुनिया बनाकर